नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं आज के ताजा समाचार। वैक्सीन का ड्राई रन हुआ शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। जालौन में आज कोविड वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है। इस वैक्सीन का ड्राई रन जनपद में 6 स्थानों पर किया जाएगा, जिसके लिए जनपद के 6 सेंटरों पर 15 स्टेशन बनाए गए हैं। ये स्टेशन जनपद के राजकीय मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल उरई, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन, नदी गांव कदौरा और माधवगढ़ में बनाए गए हैं। इसके लिए पहले दिन ड्राई रन के लिए 375 स्वास्थ्य कर्मियों को बुलाया गया है, जिसमें शुरुआत में 6 सेंटर में 243 स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे थे, जिससे पहले सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। इस मामले में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बताया कि पहले दिन 243 स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे थे, ये प्रक्रिया जारी रहेगी। जब ये सफल होगी उसके बाद आम लोगों को इसको दिया जाना शुरू किया जाएगा। ड्राई रन आयोजित किया गया था। ड्राई रन जनपद में 6 हेल्थ फैसिलिटीज में किया गया और कुल 6 फैसिलिटीज में 15 सत्र लगाए। 3 अर्बन फैसिलिटी थी, जिसमें राजकीय मेडिकल कॉलेज, जिला पुरुष चिकित्सालय और सीएससी जालौन था, ये अर्बन फैसिलिटीज है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने सीएससी कदौरा, नदीगांव और माधवगढ़ में सत्र लगाए। राजकीय मेडिकल कॉलेज में हमने 3 सत्र लगाए हैं, जिला पुरुष चिकित्सालय में 4 सत्र लगाए, बाकी सब जगह 2-2 सत्र लगे। तो ड्राई रन आज हमारा हो गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है, सीएससी जालौन में भी अच्छा काम हुआ है। थोड़ी समस्याएं हमें राजकीय मेडिकल कॉलेज में आई हैं, वो आज पहला दिन था, ड्राई रन था, तो अगली बार हम उनसे बात करके जो कमियां हमने आज महसूस हुई उनको जल्दी पूरा कर लेंगे। कुछ टीमें गठित की गई हैं? देखिए, इसके लिए टीमें, आज हमने 15 टीमें काम पे ड्राई रन के लिए भेजी थी, तो टीमों ने अपना काम किया, पोर्टल पे काम किया, किसी कोई दिक्कत काम करने में महसूस नहीं हुई है। बस बेनिफिशियरी मोबिलाइजेशन में थोड़ी दिक्कत हुई मेडिकल कॉलेज में, उसको हम आगे उसको चेकअप कर लेंगे, देख लेंगे। आज सर पूरे जनपद में कितने लोग हैं? आज पूरे जनपद में इसको, मेरा नाम राजीव कुमार उपाध्याय है। यहाँ आप आए हैं क्या? यहाँ पे कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जाना है। और कर्मचारी हैं? जी हाँ, यहाँ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं और हमने कोविड में ड्यूटी भी दी है, काफ़ी नज़दीक से कोविड का हमें अनुभव रहा है, तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे यहाँ टीकाकरण होने लगा और हम भी इसके लिए तैयार हैं। टीका हमने लगवाया है, उसमें सम्मिलित हुए हैं। आपके टीके लगने के बाद आपको कुछ महसूस हो रहा है क्या? नहीं, हम बिल्कुल सामान्य हैं। आप फिट लग रहे हैं? हाँ, और हमें उत्साह था टीका लगवाने के पहले और अब भी हम ठीक महसूस कर रहे हैं अपने आप को। कहाँ आए हैं? हम यहाँ कोविड का वैक्सीन के लिए आए हैं जी, और हम बड़े उत्साहित हैं। कोरोना में भी हमने ड्यूटी दी है, हम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी हैं, बहुत उत्साह है, हम चाहते हैं कि हमें वैक्सीन लगे, हमारा जीवन सुरक्षित रहे। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभात समाचार को सब्सक्राइब करें।